हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ, मीशो की कुर्ती। एक वो बहुत ही सुंदर दिखाऊंगी डिटेल में। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी मेरा रिव्यू डिटेल में आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देन आगे की वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कर लेना। और जो कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो वो अफोर्डेबल है गाइज। मैं अपने चैनल पर अफोर्डेबल चीज़ ही दिखाती हूँ, क्योंकि अफोर्डेबल रहेगी तो मैं भी परचेज कर सकती हूँ उसे। और मैं कोई सेलिंग या फिर खरीदने बेचने के लिए नहीं करती हूँ, ये मैं पर्सनली अपने लिए खरीदती हूँ, जो कि मैं देखकर ही खरीदती हूँ कि अच्छा है या कैसा है। तो आप बाय कर सकते हैं उसे बिल्कुल आंख बंद करके, क्योंकि मैं अपने लिए चीज़ खरीदूंगी तो अच्छी ही खरीदूंगी, और आपको भी दिखाऊंगी तो अच्छी ही दिखाऊंगी। इसीलिए तो जो भी मैं कुर्ती आपको दिखाऊंगी तो वो बहुत ही अच्छी है। और अब तक जो भी मैंने ड्रेस मटेरियल या फिर ज्वेलरीज वगैरह सब दिखाई हैं, तो वो सभी बहुत ही अच्छी हैं और बहुत सारे लोगों ने बाय भी की है। तो आप भी बाय कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से। डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, उसका लिंक प्रोवाइड मैंने कर दिया है। आप डायरेक्ट उस पर जा सकते हो क्लिक करके। देन बहुत सारे जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि मीशो दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है, बट गाइस ऐसा नहीं है। अभी तक जो भी मैं परचेज करती हूँ, अभी तक मैंने जो भी 100 में से 99% जो भी प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं वो सारे एक्यूरेट आते हैं। देन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं, और मैं कोई भी इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ वहाँ से। जो भी लेती हूँ बहुत ही अच्छा देख कर सोच समझ के लेती हूँ। बहुत ही अच्छे मटेरियल होते हैं, बहुत ही अच्छे क्लोथ होते हैं, जो कि आपको बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये कुर्ते का भी मैंने रिव्यू आपको कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हो, इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और अमाउंट वाइज देन क्लोथ वाइज जो मटेरियल होता है ना कपड़ा इसका, वो भी तो मैंने डिटेल में बताया है आपको कि ये कितने का है, क्या है, कैसा है, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। देन आज का जो मैं आपके लिए कुर्ती लाई हूँ तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ में ऐसा लग रहा हो तो मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसीलिए तो थोड़ा मैनेज कर लेना। इसीलिए तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा जो ये पीस है, टर्कोइश ग्रीन कलर का पीस है, आप देख सकते हो। और ये इतना प्यारा है ना, सीरियसली आपको इसका कलर ही इतना प्यारा लग रहा होगा गाइस, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम, सीरियसली जैसा मैं आपको कलर दिखा रही हूँ डिट्टो बिल्कुल वैसा ही आपको रिसीव होने वाला है, कलर भी, देन क्लोथ वगैरह सब कुछ। तो आप देख सकते हो, पहले मैं आपको इसका कलर ही दिखा देती हूँ, कितना प्यारा, कितना सोना कलर है इसका, तो बहुत ही सोना कलर है यार, बहुत ही प्यारा। तो आप देख सकते हो, तो मैं ये आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी कैसा है, देन आपको पहले वन बाई वन में आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा है, क्या क्या इसके साथ मिला है। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो कुर्ती है मैंने ली है, ये तो ये मैंने बाय की है 600 रुपीज की। और गाइस 600 में बहुत ही प्यारी कुर्ती सेट है ये, और आप देख सकते हो ये कुर्ती है, बॉटम है, देन दुपट्टा है, तीनों चीज इसकी मिली है। और ये 600 रुपीज में बहुत ही अच्छा वाला जो सेट है वो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बारी बारी से दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। देन फर्स्ट ऑफ मैं आपको इसकी कुर्ती दिखाती हूँ। ये पेंसिल स्लिप्स के साथ है, आप देख सकते हो इस तरीके की स्लिप्स आपको मिलेगी, देन आप उसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। और उसका नेक जो है गाइस बहुत ही अच्छा वाला नेक है, तो मैं अभी आपको इसे वेयर करके भी दिखाऊंगी। देन आप देख सकते हो उसकी शोल्डर जो है बिल्कुल मतलब दिखते हैं, तो आप इसे जो मतलब नहीं पहन सकते हैं, अगर उन्हें ये पसंद आ रहा हो तो आप यहाँ पर बाहर से कपड़ा लेकर भी इसमें एडजस्ट करा सकते हो। देन ऐसा कर सकते हो कि स्वेटर, अब तो ठंड आ गई है तो स्वेटर के स्वेटर पहन लें, जिसे मैं भी अभी आपको पहन कर दिखाऊंगी। तो मैं भी ऐसे नहीं दिखाऊंगी, सीरियसली मुझे भी मतलब मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ओपन, तो आप देख सकते हो। तो मैंने भी ये परचेस किया है, देन मैं यहाँ पर जो है आपको हाफ जो कुर्ती स्वेटर होता है शक जैसा, तो वो मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी कि ये कैसा है। देन ये जो है बहुत ही अच्छा पीस, आप देख सकते हो लॉन्ग कितना है, तो ये देखो। तो गाइज अगर आप ऐसा पहनते हो तो आप इसे सीरियसली आप इसे ग्रैब ज़रूर कर लो, ये बहुत ही अच्छा वाला पीस है। और उसका जो ये सिल्क है ये बहुत ही अच्छा है, देन इसके अंदर लाइनिंग भी दे रखी है अंदर, तो लाइनिंग भी बहुत सॉफ्ट है। बट गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे जैसे हो तो इसका साइज़ जो है वो डबल एक्सल लेना, क्योंकि अगर आप टाइट लोगे तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, और अगर आप लूज़ लोगे तो इसे आप अच्छे से थोड़ा सा फिटिंग भी करा सकते हो। तो आप देख सकते हो, तो मैं इसे वेयर करके भी आपको दिखाऊंगी कैसा है। और इसका कपड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा है, देन इसका दुपट्टा जो है, इसका दुपट्टा जो है आप देख सकते हो ये भी बहुत अच्छा सॉफ्ट नेट का दुपट्टा है, उसका कलर आप देख सकते हो। देन दुपट्टे पे
दुपट्टा देख सकते हो ऐसे, यहाँ पर थोड़ी लेस लगी हुई है, बट लेस जो आपके पास कोई भी और दुपट्टा हो तो वो भी आप डाल सकते हो इस पे। मैंने अभी लास्ट टाइम पहना था करवा चौथ पे ये वाला सूट, तो मैंने उस पे पिंक कलर का आई मीन रानी कलर का दुपट्टा पहना था, तो वो भी अच्छा लग रहा था। तो आप इसे बाय कर सकते हो, मस्ट है। इसका बाय लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहे तो बाय कर सकते हो। देन इसके साथ जो बॉटम मिला है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, सी तो आप देख सकते हो इलास्टिक के साथ है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है आपके लिए, सी तो बहुत ही अच्छा है। देन इसका बॉटम बहुत ही अच्छा है और प्योर कॉटन का मटेरियल है, बॉटम का हल्का सा यहाँ पर कट है देख सकते हो, और इसकी चौड़ाई इतनी है, जो पैंट की बॉर्डर है वो ऐसी है पोंचो की जो कहते हैं, तो आप देख सकते हो गाइज। ये कलर के लिए तो आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि कलर वाइज इतना अच्छा है ये, और मटेरियल भी अच्छा है। बस आप एक चीज़ के बिना आप जो है ये, अगर आप ये जो इसका बाजू है अगर इसमें थोड़ा सा कंप्लेंट है आपको, तो आप स्वेटर वगैरह डाल सकते हो। अगर आपको दुपट्टे की कंप्लेंट है तो आप दुपट्टा भी दूसरे शेड का इस पर ओढ़ सकते हो, तो बहुत ही अच्छा लगेगा पहन के गाइज, ये अमेजिंग लगता है। तो कैसा लगता है तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी मीशो पे पसंद आता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो यहाँ पर शो हो रही होगी, तो मैं वो परचेज करके आपसे ज़रूर उसका जो रिव्यू है वो ज़रूर शेयर करूँगी, और पूरा ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। ये नहीं है कि मैं आपको बता कुछ और रही हूँ और आपको मिले कुछ और, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं आपको दिखाऊंगी बताऊंगी तो वही चीज़ आपको रिसीव होगी। अगर नहीं भी होती है तो आप रिटर्न कर दो या एक्सचेंज कर दो, वो आपकी मर्जी है। 7 डेज का आपको रिटर्न ऑप्शन मिलता है कि आप 7 डेज में रिटर्न कर सकते हो, तो ईजिली बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप लगता है मुझे मीशो। तो बस मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो इसे वेयर करके भी आप